गुड मॉर्निंग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वी ऑल नो अबाउट द सिस्टम ऑफ इंडिया दैट वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी ऑल द पीपल हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया आर लिविंग अंडर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। किसी भी राज्य के नागरिकों के लिए उनके अधिकार जो होते हैं, द राइट जो दिए जाते हैं उनको, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हमने पिछली क्लास को डिस्कस किया था तो हमने इस चीज़ को हमने अध्ययन किया था कि भारतीय संविधान में लगभग सात लगभग क्या बल्कि एग्जैक्ट बोलना चाहिए, सात मूल अधिकार दिए गए थे और उन सात मूल अधिकारों में से एक जो संपत्ति का मूल अधिकार है वो वापस ले लिया गया था। ठीक है, उसके बाद में जब हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि मूल अधिकार ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के मौलिक और उसके जीवन के लिए अनिवार्य हैं। साथ में सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें सबसे जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें अधिकार जो डिस्कस किए थे उसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 से 22 और अनुच्छेद 20 का हम अध्ययन कर चुके थे। अनुच्छेद 22 भी हमने स्टडी कर लिया था। उसका मूल अधिकार का जो बाकी हिस्सा है निवारक निरोध, वो हम नोट्स के द्वारा स्टडी करेंगे। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई नो दैट कि ये आपके लिए बहुत नई चीज़ होगी क्योंकि नई क्लास होती है, नए सब्जेक्ट्स होते हैं, नए चैप्टर्स होते हैं। तो ये जो चैप्टर है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ये भी आपके लिए नई चीज़ है। भारत का जो संविधान है उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की कोशिश की गई है कि समाज का कोई भी वर्ग या कोई भी एक व्यक्ति उसके मूल अधिकारों से वंचित ना हो। साथ में ये प्रतिज्ञ किया गया है कि जो राज्य नाम की संस्था है या जो हमारा राज्य है, किसी भी व्यक्ति के साथ में या किसी भी लाइफ के साथ में किसी भी तरह की असमानता का प्रयोग ना करें। भारतीय संविधान में एक मुख्य विशेषता है नीति निदेशक तत्वों की। भारत के अलावा आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नीति निदेशक तत्व स्थायी रूप से शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के संगठन की व्यवस्था तो बताई है किंतु ये भी बताया है कि वो कौन सा डायरेक्शन हो, वो कौन सी प्रणाली हो या वो कौन सा कार्य सिस्टम हो जिसमें भारत राज्य आगे की ओर बढ़े या अग्रसर हो। कहने का मतलब ये हुआ है कि भारत का जो संविधान निर्माण हुआ या जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे उनका मूल लक्ष्य ये था कि हम भारत में किसी डिक्टेटरशिप वाले कंट्री की स्थापना ना करें या किसी अधिनायक तंत्र की स्थापना ना करें, बल्कि हम एक ऐसे लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करें जिसके अंतर्गत समस्त व्यक्तियों का विकास हो। और इसीलिए भारत के निर्माताओं का लक्ष्य था कि भारत में एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों को समावेश किया गया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। लोककल्याणकारी राज्य का मूल जो मोटिव होता है, जो लोककल्याणकारी राज्य की मूल विशेषता होती है, उसका मोटिव यह होता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएं हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके पास में मैनेजमेंट है, उसका इस्तेमाल एक आम नागरिक जो सबसे नीचे है, जो सबसे माइनर स्टेज पर रह रहा है, उसको भी हम लाइफ दे सकें, उसके जीवन को सेफ रख सकें और उसका विकास कर सकें। हमारे लिए नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान कराने के लिए एक ऐसे आदेश हैं जिनकी क्रियान्विति अगर राज्य करता है तो हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जिसे गांधी जी ने राम राज्य का नाम
दिया है। ये नीति निर्देशक तत्व लगभग राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं और जो देश को स्वस्थ व वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की ओर लेकर जाते हैं। इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन की 37वीं धारा में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कंट्री को या हमारे भारत देश को कि वो इन चीज़ों को पूरा करें, लेकिन इसमें दिए हुए जो तत्व हैं वो देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग किया जाना राज्य का एक कर्तव्य होगा। जीएन जोशी जी का कहना है कि इन निदेशक तत्वों का विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत है जिसका अनुकरण संघ और राज्य दोनों को करना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द फेडरल सिस्टम, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट सिस्टम, सो दोनों ही जो सिस्टम्स हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है, उनका एक ये मोटिव होना चाहिए कि हर व्यक्ति को दे कैन गिव द सिमिलरिटी, दे कैन गिव द इंडिपेंडेंसी, दे गिव द फ्रीडम एंड दे कैन गिव द जस्टिस आल्सो। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों ही सरकारों का एक मोटिव होना चाहिए या एक ड्यूटी होनी चाहिए कि वो हर व्यक्ति में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना का समावेश कर सके। नंदी का कथन है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में है जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। द वर्ड विच Avanandi has used, that is a order which has given to the state, जो राज्य के राज्य द्वारा राज्य संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। जब आदेश की बात होती है इसका मतलब यह हुआ कि जो राज्य है वो इनका उल्लंघन नहीं कर सकता या इनको क्रिएटिव करने में अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का फंडामेंटल डिफरेंस। जब हमने मूल अधिकार की स्टडी की थी तो हमने सुप्रीम पावर या सुपर पावर का एक पार्ट देखा था कि न्यायालय के द्वारा नीति अधिकारों का पालन, यदि अधिकार यदि व्यक्ति को नहीं मिलते हैं तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। किंतु मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में बहुत बड़ा एक मूलभूत अंतर है। सबसे पहली बात तो यह कि जो मूल अधिकार है वो न्याय के योग्य हैं। न्याय के योग्य है का मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार का यदि कोई उल्लंघन करता है, यदि कोई भी कानून मूल अधिकारों के अगेंस्ट में बनाया जाता है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वे मूल अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए उचित कार्यवाही करें, ठीक है। और ये जो न्यायालय है उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई कानून निर्देशक सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो उसे अवैध ठहराया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि रोजगार प्रदान करने का जो कार्य है, जो रोजगार दिए जाने का कार्य है वो राज्य करता है, किंतु कंपलसरी नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को राज्य रोजगार दे। जो व्यक्ति योग्यता रखेगा, जो व्यक्ति परीक्षा को फेस करेगा, जो व्यक्ति इंटरव्यू को फेस करेगा या जो व्यक्ति कैपेबिलिटी रखेगा वो उस एग्ज़ाम को फाइट करने के बाद में रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हम समझने की कोशिश कर सकते हैं या हम समझ सकते हैं कि रोजगार देना राज्य का एक डायरेक्शन हो सकता है, राज्य के लिए एक रिस्पॉन्स हो सकती है, पर कंपनसेशन जो है, जैसे अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय बीच में आ जाता है, पर मान लीजिए कि कोई भी इंसान ही इज़ हैविंग ओनली द बीए एंड ही जस्ट वांट टू सिट ऑन द आईएएस चेयर, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और योग्यता तीनों अलग अलग जो तत्व है वो एक व्यक्ति में होना ज़रूरी है। आप बिना एग्जाम को फाइट किए हुए किसी भी बड़ी या छोटी जॉब पर दावा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मूल अधिकार जो है वो निषेधात्मक होते हैं जबकि जो निदेशक तत्व है वो सकारात्मक है। कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकार राज्यों के लिए निषेध आज्ञा है कि राज्य ऐसा कोई भी कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है। जबकि जो नीति निर्देशक जो तत्व है बेसिकली वो कुछ सकारात्मक घोषणाएं हैं जो राज्य के लिए की गई है। मूल अधिकार में कुछ निषेधाज्ञाएं हैं, कुछ वे राज्य को करने से रोकते हैं, मूल अधिकार जो है वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ सकारात्मक डायरेक्शंस देते हैं और उसका जो कर्तव्य है, उसकी जो ड्यूटी है कि राज्य वैसा करेगा ही, ऐसा उसमें सुनिश्चित नहीं है।
मूल अधिकार जो बेसिकली फंडामेंटली हम देखते हैं तो वो व्यक्तियों के लिए है, नागरिकों के लिए है, जबकि नीति निदेशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य के लिए मात्र एक डायरेक्शन मात्र है। एंड सबसे लास्ट जो हम बात करते हैं वो है कि मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, नीति निदेशक तत्वों द्वारा उस सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था की स्थापना की कोशिश की जाती है। हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र बनता है, क्योंकि हम वोट का पावर रखते हैं, हम सरकार को बनाने का पावर रखते हैं। सरकार यदि गलत काम करती है या सरकार किसी अगेंस्ट लॉ की बात करती है तो हम उसको हटाने का पावर रखते हैं। किंतु जब यदि नीति निदेशक तत्व की बात करते हैं तो वो सिर्फ आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखने या उसको निर्मित करने में मदद करने का काम करती है। इन दोनों में विरोधात्मक स्थिति होने के बावजूद भी जो मूल अधिकार और निर्देशक तत्व हैं वो एक दूसरे के पूरक हम मान सकते हैं या मानी जा सकते हैं, क्योंकि इनमें परस्पर विभेद नहीं हो सकता। विभेद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व यदि है तो वो सारे राज्य के लिए सेम है, वो समाज में एक आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं सामाजिक हित की तो निर्देशक तत्व है वो एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी जो निर्देशक तत्व है वो उन चीज़ों की रक्षा के लिए हमें प्रेरित करते हैं जो इस नेशन की प्रॉपर्टी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो निर्देशक तत्व है वो हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि हमारे लिए वसुधैव कुटुंब कितना मायने रखता है। सो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार जो बेसिकली एक दूसरे से विरोधी हमें प्रतीत होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये मान सकते हैं कि ये वो दोनों संरचनाएं हैं या वो दो धाराएं हैं जो एक कानूनी रूप से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है और दूसरी धारा वो धारा है जो एक राज्य को प्रेरित करती है कि वो कैसे एक सामाजिक आर्थिक और समरसतापूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है या आर्थिक सामाजिक समाज का निर्माण होना चाहिए। आज के लिए इतना, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे की जो जानकारी है या जो नीति जरूरत है उसको। थैंक यू वेरी मच।